नहीं, इसमें सब बताना थोड़ा मर्यादा के खिलाफ होगा। गांव देहात में इसे सरफुंदी घाट कहा जाता है, बाद में इसको खोलने के लिए जिससे आराम हो जाए। तो दोस्तों ये आप लोग देखिए, एक धागे को हाथ में तब बेहतरीन तरीके से लपेटा जा रहा है और सामने बैठे हैं पंडित बीरेंद्र पांडे जी, जो कि ज्योतिष के अच्छे ज्ञानी हैं। अभी क्या कर रहे हैं, अभी इन्हीं के मुखारविंद से हम इनसे पूछेंगे, ये हमको बताएंगे कि ये धागे को अपने पंजे में क्यों लपेट रहे हैं। तो पंडित जी नमस्कार, आपका स्वागत है लसरी फिल्म्स में। ये बताइए कि क्या कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं? पंडित जी अभी मंत्र पढ़ रहे हैं हमको लग रहा है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब तक आप लोग को दिखा देते हैं कि देखिए इसे पैर में इस तरीके से इसको लपेटा जाता है। ये यज्ञोपवीत बनाया जा रहा है और हम सभी को कहेंगे यज्ञोपवीत बनाना सभी सीखे। यज्ञोपवीत होता क्या है, दर्शक को जानते नहीं है? जनेऊ। तो ये जनेऊ कहते हैं। कौन पहन सकता है, किसके लिए है ये? ये ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी मतलब जनेऊ के उपभोगी हैं वो पहन सकते हैं, जिनको जनेऊ वर्जित है यज्ञोपवीत वो नहीं पहन सकते हैं। तो अच्छा, किसको वर्जित है ये आप बता सकते हैं दर्शकों को, किसको वर्जित होता है? नहीं, इसमें सब बताना थोड़ा मर्यादा के खिलाफ होगा। अच्छा, तो कितना कितना जनेऊ आप, अच्छा ये कह रहे हैं कितना जनेऊ आप, ये मतलब ये बना के आप लोगों को देते हैं कि बस अपने यूज के लिए रख रहे हैं? नहीं नहीं, देने के लिए। किसको देते हैं आप इसको? ये देंगे अपने जजमान को। जजमान जिनके आप लोग पूजा पाठ कराने जाते हैं उनको जजमान बोलते हैं? हाँ, वही जजमान है ये। अच्छा। तो दोस्तों आप लोग देखिए, जो भी यज्ञोपवीत के बारे में नहीं जानते हैं वो सर्च कर ले, बहुत सारे ऐसे बनाया जाता है। यहाँ इसको ऐसे डाल दिए, फिर घुमा दिए, फिर नीचे ले आए, फिर यहाँ उठिए, फिर यहाँ मिला दिए, फिर इसको यहाँ से ले आए, इसके बाद फिर इसको इसमें डाल के यहाँ से फिर निकाल दिए। ये खोल बेटा था, ये फिर इसको यहाँ कर दिए धागे को, इस धागे को यहाँ ला के इसमें डाल के ये देखिए, फिर यहाँ से हम घुमा दिए। अब ये धागा यहाँ पे आ गया है, फिर इसको इसमें डालें, फिर यहाँ डालें, फिर ऐसे निकालें। अब ये इसको हम इसमें एक गांठ लगा देंगे, जो गांव देहात में इसे सरफुंदी घाट कहा जाता है, जिससे ये बाद में खोलने के लिए बहुत आसान रहे। अब ये सरफुंदी घाट हमने यहाँ पर ऐसे किया, ये ऐसे इसको यहाँ लगा दिए, ये बाद में इसको खोलने के लिए जिससे आराम हो जाए, क्योंकि हमें सभी धागा बराबर करना पड़ता है। धागा बराबर करने के लिए थोड़ा सा ऐसे करके वो कर लीजिए, देखिए ये हो गया आपका धागा, सभी धागे बराबर हो गए, और आप इसको ऐसे करके वो कर सकते हैं। तो चलिए पंडित जी, धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे। जो भी यज्ञोपवीत के बारे में नहीं जानते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं क्या होता है, हमारे गुरुजी नहीं बताना चाहते हैं। और इसको जनेऊ बोलते हैं, ये बना के इसको जिस तरीके से बनाने की विधि आपको बताए हैं, बना के तैयार करके अपने जजमान को लोग देते हैं पहनने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक लसरी और आप देख रहे थे लसरी फिल्म्स।